जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टोल्ड मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑन रस्किन बॉन्ड्स चैप्टर. आईज आर नॉट हियर, है ना. तो क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी एंड द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर बाय रस्किन बॉन्ड. सो मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ. आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन. एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज कि आयरनी क्या होता है. आयरनी मीन्स कि जो हम सोचते हैं ना, जब उससे ऑपोजिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड आयरनी, है ना. आईज आर नॉट हियर में जो आयरनी की बात हुई है, दैट इज़ कि देखो, वी पीपल हु आर हैविंग आईज, है ना, दे डोंट सी द थिंग्स इन अ राइट वे. जैसे उसमें बताया हुआ है ना कि दो पर्सन्स हैं, जैसे नरेटर है हु इज़ एक्सप्लेनिंग द स्टोरी एंड वन गर्ल एंटर्ड इन द कंपार्टमेंट, शी इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, शी इज़ ऑल्सो, जो नरेटर है ही डजंट नो कि द गर्ल हु एंटर्ड इन द कंपार्टमेंट शी इज़ ब्लाइंड. इवन द गर्ल डजंट नो कि जो नरेटर है वो ब्लाइंड है. बट उसके बाद जब वो लड़की है, आई थिंक वो रोहाना स्टेशन पे उतर जाती है, तो उसके बाद जो एक नया पर्सन कंपार्टमेंट में एंटर करता है, तो नरेटर उनसे पूछता है कि जो लड़की अभी अभी गई है उसके बाल कैसे थे, है ना. तो दैट बॉय जो कि बाद में एंटर करता है कंपार्टमेंट में, ही इज़ हैविंग गुड आई साइट. तो वो ये कहता है, वैसे तो वो ब्लाइंड थी लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया कि उसने कैसे, उसके बाल थे या उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, है ना. इसका मतलब क्या है कि जो पीपल, द पीपल हु आर हैविंग आईज, दे डोंट सी द थिंग्स इन डेप्थ, है ना. उनको जस्ट एक्सटर्नल सरफेस लेवल की चीज़ें वो देखते हैं, उनको जो डेप्थ में मीनिंग है उसके बारे में नहीं पता. बट द पर्सन्स हु आर ब्लाइंड, दे ट्राई टू फील द जो उसका इंटरनल जो सराउंडिंग का इंटरनल पार्ट है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. उनके जो सिक्स सेंसेस हैं, है ना, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, या तो हल्की सी आहट है उसकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा आ जाती है. तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो जो चैप्टर है उसमें कि पीपल हु आर हैविंग आईज, दे डोंट सी द थिंग्स इन अ राइट वे. ऑन द अदर हैंड, पीपल हु डोंट हैव गुड आई साइट, और वी कैन से दोज हु आर ब्लाइंड, दे कैन फील द थिंग्स, दे कैन फील अबाउट द इंटरनल डेप्थ, और वी कैन से कि डेप्थ में वो चीज़ को देख के समझ पाते हैं. दिस इज़ द आयरनी विच वी कैन से कि आईज आर नॉट हेयर में है. लाइक मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्वेश्चन. द आईज़ आर नॉट हेयर ऑल्सो नोन एज, इसका और क्या नाम है, ऑल्सो नोन एज द गर्ल ऑन द ट्रेन, है ना. इसका चैप्टर का ये नाम भी है, एंड द आईज हैव इट भी है. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड. द स्टोरी यूजेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जो नरेटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टोरी चल रही है. द स्टोरी इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, इसमें सिचुएशनल आयरनी है, इसमें वर्बल आयरनी है. जो आयरनी है ना उसकी भी आगे जाके बहुत सारे हम कह सकते हैं काइंड्स हो जाती हैं. जो नरेटर है वो सारी स्टोरी के बारे में बताता है. नरेटर लिसन्स एज अ कपल सेंड, है ना. कपल आया है, वो अपनी बेटी को, डॉटर को ऑफ करने के लिए आया है ट्रेन पे. तो जो नरेटर है वो सब सुन रहा है, उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा है, वो क्या क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो लड़की है उनकी, वो अपनी आंट को विजिट करने के लिए जा रही है. तो क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी को कुछ डिफरेंट बातें नहीं बता रही, तो नरेटर को भी ये लगा कि द गर्ल इज़ नॉर्मल, उसकी आईज़ भी हैं, है ना, वो सब कुछ देख सकती है. तो बॉय को, यानी नरेटर को ये फील हुआ कि मतलब मैं उसको बिल्कुल फील ना होने दूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ. सो जो भी विंडो के बाहर एक सीनिक ब्यूटी है उसको वो एक्सप्लेन करता जा रहा है. इवन ऑन द अदर हैंड जो गर्ल है वो भी उसके बातों को, कन्वर्सेशन को साथ में सपोर्ट कर रही है. सो बोथ आर थिंकिंग कि गर्ल इज़ थिंकिंग कि बॉयज़ इज़ हैविंग आइज़, बॉय इज़ थिंकिंग कि गर्ल इज़ हैविंग आइज़, है ना. तो उनकी जो ये रेल जर्नी है ये चलती रहती है, और रस्ते में वो बातें करते रहते हैं. नरेटर इज़ ब्लाइंड, है ना. वी नो दिस थिंग कि नरेटर क्या है, ब्लाइंड है. एंड जो द गर्ल, है ना, जो ट्रेन लेती है कहाँ से, रोहाना से, वो भी ब्लाइंड है. लेकिन जो थर्ड पैसेंजर मैन हु इज़ हैविंग गुड आई साइट, वो एंटर करता है, है ना, वो चीज़ों को ध्यान से देखता ही नहीं है. डिस्पाइट द लॉस ऑफ आई साइट, द नरेटर एंड द गर्ल हैव डीपर इन साइट ऑफ द सराउंडिंग. इसके बावजूद कि जो नरेटर है और गर्ल है, बोथ आर, बोथ डोंट हैव,
है ना, आई साइट, लेकिन फिर भी उनका जो आई चीज़ों को देखना का हम कह सकते हैं तरीका है, वो उसको डेप्थ में देख रहे हैं, उनको ध्यान से देख रहे हैं ना। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन है उसको ये भी नहीं पता कि जो लड़की आई थी या जो लड़की अभी उतरी है उसकी आई साइट, उसके बाल कैसे हैं। मैन हैविंग गुड आई साइट लुक एट द थिंग्स इन द फ्रंट ऑफ हिम क्वाइट कैजुअली, उसके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको कैजुअली देख रहा है, वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही डन नोटिस द हेयर ऑफ द डिपार्टेड गर्ल, उसे नहीं पता जो अभी लड़की गई है उसके हेयर कैसे थे। द नरेटर वॉज गोइंग देहरादून बाई ट्रेन, अ ब्लाइंड गर्ल वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, ही कुड जज की कमेंट कर सकते हैं। बीच में आपने पढ़ा होगा कि इवन नरेटर ये भी फील करता है कि जो ब्लाइंड गर्ल है उसने स्लिपर पहने हुए हैं, क्योंकि उसके जब वह चल रही थी तो स्लिपर की आवाज़ है ना आ रही थी, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें उसने फील की। तो द थिंग इज़ कि जो इसमें आयरनी है आइज आर नॉट हेयर में, वो यही है कि पीपल जिनकी अच्छी आई साइट है वो चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं, ऑन द अदर हैंड साइड हुआ ब्लाइंड उनका जो देखना मतलब फील करने का तरीका है वो ज़्यादा डेप्थ में है। सो थैंक यू, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा।